सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम 65,000 के प्राइस सेगमेंट में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें आपको तगड़ी कैमरा क्वालिटी मिल जाएगी, जिससे आप रील्स बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं या डे टू डे भी कैमरे का यूज करते हैं, ये फोन बेस्ट क्वालिटी लेके आएंगे। इसके अलावा इन फोन्स में आपको प्रोसेसर भी पावरफुल मिलने वाले हैं, जिससे आप गेमिंग करें या कोई भी काम, आपका फोन स्मूथली चलने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है गूगल पिक्सल 8 स्मार्टफोन। दोस्तों, गूगल के इस फोन में प्राइस में थोड़ा ड्रॉप देखने मिला है, और ये फोन काफी अच्छे फीचर्स भी लेके आता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिल जाता है गूगल का प्रोसेसर गूगल टेंसर G3, जिसमें आप डे टू डे के काम आराम से कर पाएंगे। तो इस फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे एक सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा इसमें 10.5 मेगापिक्सल का मिलता है, और इसकी फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो ये फोन 6.2 इंचेस की ओलेड डिस्प्ले के साथ आता है, और ओलेड डिस्प्ले में कंटेंट देखने में क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा इसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का, SDR 10 प्लस का सपोर्ट और ब्राइटनेस 2000 निट्स की मिल जाती है, और ये फोन IP68 की रेटिंग और गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन के साथ भी आता है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 4575 mAh की बैटरी मिल जाती है, और चार्जिंग ये 27 वाट की सपोर्ट करता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसकी 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 59,999 में मिल जाता है, और इसका टॉप वेरिएंट 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ अराउंड 65,999 में मिलता है। सो नंबर सेकंड पर है वीवो X100 स्मार्टफोन। दोस्तों, वीवो की इस सीरीज में कैमरे में बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, तो अगर आपको वीवो का कोई कैमरा सेंट्रिक फोन लेना हो जो प्रोसेसर वाइज भी अच्छा हो तो ये फोन एक काफी अच्छा ऑप्शन होगा। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है MediaTek Dimensity 9300 प्रोसेसर, जिसमें आप गेमिंग भी तगड़े लेवल की कर पाएंगे। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, और सेल्फी कैमरा ये फोन 32 मेगापिक्सल का लेके आता है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंचेस की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का और ब्राइटनेस 3000 निट्स की मिलती है। वहीं इस फोन की बैटरी की बात करें तो ये 5000 mAh की बैटरी लेके आता है, और चार्जिंग इसमें 120 वाट की मिलती है। तो इस फोन की प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 63,999 में मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन OnePlus 12। दोस्तों, OnePlus का ये फोन इस बजट का एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, जो सारे फीचर्स तगड़े लेके आता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है क्वालकॉम का फ्लैगशिप चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जो इस फोन के साथ अल्टीमेट लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे में सोनी का LYT 808 सेंसर यूज किया गया है, और अल्ट्रा वाइड में सोनी IMX581। इसके अलावा इस फोन में आपको 4th Gen Hasselblad की कोलैब भी देखने मिलती है, और फ्रंट कैमरा ये फोन 32 मेगापिक्सल का लेके आता है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.82 इंचेस की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको कंटेंट देखने में क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का, SDR 10 प्लस का सपोर्ट और ब्राइटनेस 4500 निट्स की मिल जाती है। तो इस फोन की बैटरी की बात करें तो इसमें 5400 mAh की बैटरी मिलती है, और चार्जिंग 100 वाट की लेके आता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 16GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 64,999 में मिल जाता है।